नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, बात करते हैं राजस्थान की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। सबसे पहली बड़ी राजस्थान की खबर की बात करें तो आपको बता दें कि नागौर जिला मुख्यालय पर बुधवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में टिकैत का आज दूसरा दिन है। नागौर में वीर तेजाजी महाराज को नमन करने पहुंचे हैं, महापंचायत को भी आज संबोधित करेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि 40 साल पहले सूटी पटाई बेटियों ने शुरू करवाई है 62 साल के बीजेपी विधायक को। राजस्थान की राजनीति की परीक्षा में आपको बता दें कि दो बार पास हो चुके बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा अब बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने विषय भी पॉलिटिकल का सुना है। मंगलवार को उनका पेपर था। एक समय ऐसा था कि घर में ऐसे हालात बन गए थे कि मीणा को स्कूल से पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अब उनकी बेटियों ने पढ़ाई वापस शुरू करवा दी है। दोस्तों, की बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में आज से शराब की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक चलेंगी। आज पूरे राज्य में 1669 दुकानों के लिए बोली लगनी है, लेकिन इनमें से 39 दुकानों के लिए एक भी आवेदक नहीं आया है। और यही वजह है कि आज पहले चरण में केवल 1630 दुकानें ही आवंटित की जाएगी। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों में ये खबर भी शामिल है। पोखरण में अभ्यास के दौरान हादसा, तोप से निकलते ही गोला फटा। दोस्तों, आपको बता दें कि बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है, 3 घायल। फायरिंग रेंज में सियारदिन में दूसरा हादसा। पोखरण में सियारदिन पहले ही 105 एमएन गन की बैरल पड़ने से सेना का एक जवान घायल हो गया है। राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज में मंगलवार रात सैन्य अभ्यास के दौरान हादसा हो गया है, जिसमें एक जवान शहीद भी हो गया है। शहीद जवान के लिए जय हिंद जरूर बोलें। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि वीडियो में दिख रहा है नशे में धुत पुलिस कर्मी मांग रहे थे रिश्वत, मना किया तो युवक को बेरहमी से लात घूंसों से पीटा है। थाना क्षेत्र अलवर से बड़ी खबर है। मुंडावर के पहल कस्बे से एक नशे में धुत पुलिस कर्मी ने स्थानीय दुकानदार से लात घूंसों से मारपीट करने का मामला सामने आ गया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये पुलिसकर्मी नशे में धुत था और इसी दौरान उसने युवक से रिश्वत मांगी। युवक की रिश्वत ना देने पर पुलिसकर्मी ने लात घूंसों से उसे मारा। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पेट्रोल एंड डीजल प्राइस को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार शांति जारी सौते दिन शांति जारी रही है। तेल कंपनियों ने बुधवार को इनके भावों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि ATF के भावों में भारी बढ़ोतरी की गई है। जयपुर में अभी पेट्रोल 97.72 रुपये और डीजल 89.98 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल के दाम 25 और डीजल के दाम 16 पैसे बढ़ाए थे, जिसके बाद अभी तक कोई भाव नहीं बढ़े हैं। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जयपुर जिले के एक गांव में एक अनूठी शादी सामने आई है। बेटी की विदाई देखने उमड़े लोग। जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील के गांव देवन में एक अनूठी शादी हुई है। शादी के बाद बेटी की विदाई देखने के लिए समूचा गांव उमड़ा है, और यही वजह है कि शादी के बहाने हेलीकॉप्टर देखकर लोग उमड़ गए। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि आज हो चुकी है 3 मार्च और कल 4 मार्च है, जो मनीषा ड्यूडी मामले को लेकर कल एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जिसमें मनीषा को कोर्ट के आदेश मिल चुके हैं कि किसी भी हालात में हाजिर होना ही होगा। ये थी राजस्थान की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ। तब तक बने रहो आपके और हमें सैनिक द सुगम के साथ। फिर से अपडेट होते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ।